अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल समीर, आप देख रहे हैं 4K न्यूज़। वट्टेपल्ली फातिमा नगर की आवाम ड्रेनेज के पानी से है परेशान। गंदगी होने से डेंगू की बीमारी में इजाफा होते जा रहा है, जिसकी वजह से मासूम बच्चों की जानें जा रही है और मुकामी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वट्टेपल्ली की आवाम हुकूमत से गुजारिश कर रही है कि वो इन गरीब आवाम के मोहल्ले को आकर जल्द अज जल्द काम ख़त्म कराए। आइए देखते हैं इसी की ये रिपोर्ट। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये गली की बहुत परेशानी है, पानी आता है ना डेढ़ घंटा, उसमें आधा घंटा मैला पानी आता है। तीन ऐसे एक घंटा खाली पानी छोड़ते हो, वो एक घंटा भी नहीं छोड़ते, जल्दी बंद करके चले जाते। पानी की बहुत तकलीफ है गली और गली से, और पानी आ रहा है गंदा पानी पूरा ये गली से आता। तो एरिया का नाम क्या साहब? ये एरिया फातिमा नगर बाबाई के होटल के बाजू गली। तो आप लोग आज आगे कम्प्लेंट करे, ऐसा नल वालों कम्प्लेंट, एमसीएच वालों करे कम्प्लेंट। कई कई बार गए वहाँ, दारूसलाम गए वहाँ गए, अच्छा अच्छा बनाते बनाते रोड को बनाने आने जाने तकलीफ हो रही, बूढ़े लोग चल नहीं सक रहे हैं रोड पे। तो दारूसलाम में क्या बोले आपको? बना ही रही, बनाते आ रहे हैं, बना भेज रहे हैं हम वहाँ बनाते हुए। बोले भाई अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, पुराने पैपा डाल के चले गए, वो गुटेदार आया था, वो गुटेदार अपना मतलब काम कर लेकर चले गए। बाद में ये हाल होगा रोड का, पहले रोड अच्छी थी। ये नल का पानी है या नहीं मोरियों का पानी? मोरियों का पानी भी आ रहा, नल का पानी, नल खोले तो मोरियों का गंदा पानी मिलके आ रहा उसमें। आठ दिन में एक बार पानी आ रहा? बोलो सर, आठ दिन में एक बार आ रहा, आठ दिन में पानी एक बार आ रहा। दिन हुआ जुमेरात को बोलते अब तक नहीं खोला पानी, नल नहीं खोला। वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातहू। ये मोहम्मद फातिमा नगर से बाजू गली में बाबे गोडल के बाजू झंडे के बाजू की गली है। यहाँ पे तकरीबन आठ नौ गलियों का पानी ये गली में से गुजर रहा। उसके बाद ना फिर ये आ रहे हैं थोड़े थोड़े दिन को, ये चार चार पैपा बारीक पैपा डाल देके चल जा रहे हैं। फिर वो पतली गली में पूरे सिलान डले हुए हैं, उसमें भी काम नहीं हो रहा। आधी इधर लीटर को गली लग रही, फिर आधी उधर लीटर को गली लग रही, ये दोनों लीटर मिलके बात कर ले रहे हैं। ये बस्ती वालों को परेशानी हो जा रही। मेन काम ये हो रहा है कि ये मोरियों का पानी पूरे गलियों में से गुजर रहा, घुटनों के ऊपर ऊपर तक पानी आ जा रहा पूरा। बच्चों को निकल नहीं सक रहे, बच्चे बीमार हो जा रहे हैं, पूरे पूरे परेशानियों में गुजरना पड़ रहा बस्ती वालों को। खाली घर में से पानी अगर भाई का आ गया तो पूरा पानी घर में से बाहर ही नहीं निकल सक रहे। ये बहुत प्रॉब्लम हो गया गली में। ये पूरे गलियों की जो रोड है बन रही ना, ये अभी तकरीबन नए नए बोले तो अभी 15 साल हो गया रोड बन के, और ये आखिरी परेशानी हो जा रही पूरी। आ रहे हैं खोद दे रहे हैं चल जा रहे हैं, जो बिनोलेंगे मट्टी निकाल रहे हैं, मट्टी तक नहीं उठा रहे। पूरा यही प्रॉब्लम हो गया, पूरा खतरनाक प्रॉब्लम चल रहा गली में से, गली के बाहर नहीं निकल सक रहे। पूरे तकरीबन नए नए बोले तो भी नौ गलियों का पानी ये गली में से गुजर रहा पूरा। नल खोल रहा तो भी गंदा पानी आ रहा है पूरा। नल का तो पानी ऐसा आ रहा है कि एक घंटा खोल रहे हैं, अभी 9-10 दिन में एक घंटा खोल रहे हैं नल, फिर भी आधा घंटा तो खाली पानी बोरियों का पानी आ रहा, ना पी सक रहे ना कुछ कर सक रहे। सुबह में उठते साथ ही बाटा लेने के बाहर जाना पड़ रहा पीने के पानी के वास्ते, लाने के वास्ते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। तकलीफ फातिमा नगर में, जो फातिमा नगर है पूरी बस्ती का पानी यहाँ हमारी गली को है, फलकनुमा का पानी हमारी गली को है, पूरा पैखाना आ रहा है, सोब आ रहा, वैसे हम जिंदगी गुजार रहे हैं। गरीब हैं हम लोग, पूरे मेहनत करके खाने वाले हैं, कोई तवंगर नहीं है एक बस्ती के अंदर। मेहनत करना है तो खाना है, और हमको तकलीफा दे रहे हैं आप लोग, क्या करना बोलो आप। अरे पूरा रेम पाइप डाल को चले गए, रोड आको देखो आप लोग, उसके बाद हमसे बात करो तुम लोग, हमको सजा दो जो देना है वो। हम गरीब लोग हैं पूरे बस्ती में, पूरा पैखाना आ रहा हमारी गली में, दो बच्चे भोको जा रहे तो पकड़ को बच्चे जाको भागते जाको लेको है, समझे आप। अब यकीन मानो बात को, आप आके देखो बस्ती के अंदर पानी पड़ा सखत, पूरा फलकनुमा का पानी हमारी गली को करें। करना तो क्या करना बोलो आप, क्या घर छोड़ को चले जाना हम लोग, किधर जाना हम लोग गरीबा बोलो आप लोग। आप बड़े रखो क्या फायदा हमको बोलो, तकलीफा दे रही हमारे को, बहुत तकलीफ हो रही हमारे को, यकीन नहीं मानेंगे आप। बच्चे पूरे बीमार पड़ रहे, पैखाने का पानी पी को, स्कूलों को नहीं जा रही बच्चे,
परेशान है हम लोग। भोरे का पानी, ये भोरे का पानी भावा सर को नहीं बच्चे उनके मेहरबानी करो। आप हमारी मेहरबानी करो, अल्लाह तुम्हारी मेहरबानी करेगा। यकीन मानो आप हमारी बात को, हमारे गरीबों की दुआ लो आप लोग। हम बहुत परेशान है हम घर वाले को, ये गली के अंदर यकीन मानेंगे आप। हम मजदूरों को नहीं जा सक रहे, हम लोग का पानी आ रहा तो गंदा पानी आ रहा तो पावा सर जा रही, परेशान है हम। दवा खाने फिरते फिरते क्या दवा खाने को जाना, क्या बेटों को खाना क्या करना बोलो आप लोग। क्या करना बोलो आप, मेहनत करना है तो खाना है, कोई कवंगा नहीं है बस्ती के अंदर। यहाँ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। भैया फातिमा नगर खारे की दुकान की गली में है, पानी इतना गंदा पानी, मोहरियों का पानी, बच्चे नहीं जा सकते, बच्चे 8-8 दिन को बीमार पड़ रहे, पानी खरीद के गरीबा पी रहे, गंदा पानी मोहरियों का, वो सब पानी आता रमजान से पहले से पानी आ रहा है, गंदा पानी खरीद के पानिया पी रहे हैं बच्चे 8-8 दिन को, डेंगू के बुखार दवाखाने में डालेंगे गरीबा, पानिया खरीद के पियेंगे। बोलो आप, हम गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द बना दो जो भी है, तो उससे पहले हम लाद गए जाके बोल के करके आए आए, ढकना नहीं डाले कुछ भी नहीं, मोहरी भी कुछ नहीं बनाए, बुढ़े लोग जईफ लोग बाहर नहीं निकल सक रहे, जुम्मे की नमाज को जा नहीं सक रहे लोग, जो भी है घर में नमाज पढ़ रहे जाए, बुढ़े जईफ जा नहीं सक रहे बाहर, गिर जा रहे गंदा पानी मोहरियों का पानी जा रहा है, जईफ लोग गिर गए मट्टी भी निकाले तो लेके जाने नहीं आ रहे, मट्टी हो गया पानी आ रहा, कोई आके नहीं देख रहे, गली में हाथा पर टूटा कभी कोई देख रहा नहीं, कुछ नहीं, पूरे बीमार हो जा रहे, पूरे बच्चे जा रहे गले से, पूरे बीमार हो जा रहे, आके पूरी गंदी गंदी हो गई, रोड भी नहीं बन रही 15 साल से, पुराने पैसे डाले बनाते तो दारू सलाम में पूरी लेडीज आएंगी, पल्ली का 15 साल होगा गली में रोड बन रही नहीं, कुछ भी नहीं, टेनिस का पानी गंदा आ रहा, नलों में भी वही आ रहा, बच्चों को परेशानी हो रही, हाथा पैर टूटे, नल में भी वही पानी आ रहा, गंदा पानी आ रहा, जरा आके आप लोग देखे तो अच्छा रहता, बहुत परेशान है गली के लोग पूरे। तो जाके आप लोग कंप्लेंट कराए, जाके कंप्लेंट कराए एमसीएच में, बोले आप लोग हमको गए थे, हम लोग एक बार गए फिर उसके बाद नहीं गए, पुराने पैंपान डाले फिर वही निकाल के वही डाले, फिर वैसी हो गई रोड गंदी। अब ये मोरी का जो पानी आ रहा जाके एमसीएच में कंप्लेंट कराए नहीं कराए, जाके थे आते बोरे आ रहे नहीं कुछ भी नहीं, आए तो भी मट्टी निकाल लेके नहीं जा रहे, वैसे रख दे रहे चले जा रहे। दारू सलाम में क्या बोले साहब लोग, दारू सलाम में आते बोरे भिजा दे रहे, आ रहे नहीं कुछ भी नहीं, तो यहाँ के लीडरों को नहीं बोले आप लोग, लीडर भी बोले तो कराते बोल रहे करा रहे नहीं कुछ भी, लीडर भी ये कितने साल से प्रॉब्लम है यहाँ पर, 15 साल से है, 15 साल से प्रॉब्लम है आपको, और पूरे गलियों के रोड़ा बनी है, गली की रोड नहीं बन रही, रोड बन रही है ना, पानी सही पानी सही आ रहा, बहुत परेशानी हो रही, कभी आके गली में देखे नहीं, देखे नहीं, गंदा पानी आ रहा, बच्चे बड़े पूरे जा रहे पड़ रहे चले जा रहे, बच्चे पूरे पूरा गंदा पानी, पूरा पैर सड़ रहे, हाथ सड़ रहे, बच्चे पूरे बीमार हो जा रहे डेंगू के बुखार से, उससे टाइफाइड से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। साहब यहाँ जो है ना 15 साल से बहुत मुश्किलों से गुजार रहे साहब, हम तो गुजारते गुजारते हम बुढ़े हो गए, हमारे बच्चे हमारे सामने खया पैखाना कर ले रहे, और जो है ना गंद नाले में पानी के नल के पानी में और पैखाना नाले का पानी दो और नाले का पानी नल का पानी दो मिक्स हो के आ रहे, और बच्चे जो है ना पी के और खया पैखाने कर ले रहे, और कोई लीडर पकड़ा ले रहा नहीं, वो काउंसलर को पकड़ के हम बोले साहब हम गरीब है, हमारा हालत ऐसी है, हम मर तो मरे, हमारे बच्चे हमारे हाथ के सामने पहले मर जाए तो हम देख नहीं सकते, और इसलिए अब जो है ना आके हमारे गली का एक बार देखो साहब, बोल तो आके देख के, और जो है ना हम जो है ना दारुसलम गए, दारुसलम जाके हमारे तकलीफा मुसीबत बोलिए,
बोली तो वहाँ के साहब लोग क्या बोले, आप लोग चले जाओ, हम काउंसलर को और लीडर को भिजाते और काम कराते बोले। और वो जो ना वो जो गुत्तेदार आया, बट्टेबाज आया सुने, और जो है ना आके और खाली ऊपर ऊपर जो है ना माया कामा करके चलेगा। और जो है ना और सीमेंट नहीं मिला, कुछ भी नहीं, खाली वैसे गनेटा जमा के और खाली वैसी डाल के चलेगा। और उसके बाद पानी आया, 102 बार पानी आए तो पूरे मट्टी चले गई। और जो है ना सीमेंट है ही नहीं, सब मट्टी है, पूरा भरेगा। उसके बाद जो है ना और नल के पानी और जो है ना मोरियंग के पानी दो मिल के मिक्स होके आ रहे, और बच्चे जो है ना पीले के बीमार पड़ रहे। और मैं भी जो है ना 15 दिन दवाखाने में रह के आया साहब, और मैं 2 दिन हुआ घर को आके, और मेरे बच्चे भी परेशान है, तो पूरे गली परेशान है, पूरी महिला परेशान है साहब। ये वट्टापल्ली फातिमा नगर और ज्यादा और बाबा होटल बाजू गली मिठाई की दुकान बाजू में, और जो है ना ये बस्ती के और वट्टापल्ली पूरे बस्ती के पानी ये गली में आता साहब सुने। और जो है ना जिम्मे के नमाज को नहीं जा सकते साहब, और जिम्मे की नमाज को नहीं जा सकते, और अल्लाह के और फजर के नमाज 5 टाइम नमाज पढ़ना जरूरी है, लेकिन हम गरीब आदमी कम से कम जिम्मे को तो पढ़ना ना साहब नमाज, तो हम जो है ना कुछ भी नहीं कर सक रहे, हम नमाज नहीं पढ़ सक रहे, नहीं कुछ घर के बाहर निकल नहीं सक रहे, और काम पे गए तो बच्चे की बीमारियों से वो परेशानी। हम जो है ना दिन भर काम करते हो 300-350 रुपए आते साहब, तो हम ये मुसीबत से बहुत तंग आ गए साहब। ये गुजारिश है भाई अल्लाह के वास्ते और मोहम्मद के वास्ते, और मोहम्मद का वास्ता है, हम गरीब लोगों के आवाज आपके तक पहुंची तो हमारा ख्याल करके हमको नल के पानी का ये गली का हमारे को जो है ना हमारे को बचाओ, हमारे को ये गंदे पानी से ये नालों ये रोडों से ये हमारे को बचाओ साहब। रात में जो है ना फजर की नमाज को उठते और जो है ना या फजर की नमाज को उठते ये गड़े में 2-3 बार गिर गए साहब। हमारे बड़े हजरत भी ये दो तीन जने बड़े हजरत है, उनको सही नहीं दिखता और फजर की नमाज को जाते और उन्होंने भी 2-3 बार गिर गए। ये हमारी गुजारिश है और MLN से और लीडरों से और जो है ना काउंसलर से सब एक होके हमारे मदद करो, हमारे को साथ दो, हमारे को जो है ना हमारे बच्चों को हमारे को बचा लो, बस यही छे मेरे गुजारिश, यही छे हमारे तकलीफा, अब साथ दे दो। अस्सलाम वालेकुम।